every day. Mayawati got personal with the Prime Minister on Monday, saying that he had abandoned his innocent wife for his political gains and that he could never respect the sisters and daughters of others. ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने? जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी में खासकर विवाहित औरतें अपने आदमियों को श्री मोदी के नजदीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफी ज्यादा घबराती रहती हैं कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग न करवा दे। पूरे देश की महिलाओं से मेरा ये खास अनुरोध भी है कि वे इस किस्म के व्यक्ति को अपना वोट कतई भी ना दें। फॉर हर टू स्पीक सो इल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल लाइफ एंड अबाउट विमेन इन द बीजेपी, बहन मायावती, प्लीज बी अश्योर्ड वी आर ऑल एब्सोल्यूटली सेफ, सिक्योर एंड हैव वेरी गुड professional relationships in our party. You do not have to be worried about us, Behen Mayawati, when there is a Dalit Behen in Rajasthan waiting for all of us to stand up and speak for her, who is in extreme distress. Does she think that she is the only Dalit in this world?